हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश जो कि है मीठी सिवैया। तो यह बहुत ही टेस्टी और इस तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसे बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं शुरू। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिल सके सबसे पहले। तो ये जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं शुरू। इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आधा लीटर दूध और इस तरीके का एक सेवई का पैकेट जो आधा लीटर दूध के लिए हिसाब से बराबर है। हम देसी घी लेंगे, बादाम लेंगे और काजू लेंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है, गैस पर पैन भी रख दिया है। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप जो है इसमें सादा घी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो है वो देसी घी अवेलेबल था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें सिवई का पैकेट्स ऐड कर देंगे और सिवई को हमें तब तक भून लेना है अच्छे से, तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो देखिए ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी अच्छी तरीके से गोल्डन हो गए हैं। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें कच्चा ही दूध, हम इसमें कच्चा दूध ही ऐड करने वाले हैं। तो दूध हमने अच्छे से ऐड कर दिया है। शुगर ऐड करेंगे, 6 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, आधा लीटर दूध और आधा लीटर सेवैयों के हिसाब से। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, या शुगर के जगह पर आप शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। एक अच्छा बॉयल आएगा फिर हम इसे थोड़ा स्लो पे पकाएंगे। तो इसमें अच्छे तरीके से बॉईल जो है वो आ चुका है। अब हम इसे गैस का फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और इसे स्लो गैस पे हम 10 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसमें हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, आप चाहे तो ना भी डालो तो भी चलेगा, मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने डाल दी। इसे बस 5 मिनट और पकाना है और फिर हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है। तो आइए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही झटपट बन गई और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी होगी तो फटाफट से एक लाइक कीजिएगा दोस्तों और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे आने वाले आगे के वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।